हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। जैसे ही महिला का मासिक धर्म यानी कि उसके पीरियड्स खत्म होते हैं, उसके बाद वो संपर्क में आती है ओवुलेशन डेज के बाद, अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो वहीं से आपकी गर्भावस्था स्टार्ट होती है। लेकिन अभी भी गर्भधारण होने में 6 से 8 दिन बाकी हैं। जब अंडा यानी कि एम्ब्रियो आपके गर्भ में आके चिपकता है, उसी दिन से आपकी बॉडी में बहुत से हॉर्मोन्स बनने लगते हैं जो कि आपको बहुत से चेंजेस दिखाते हैं। पीरियड मिस होने से पहले ही अगर आप इन चेंजेस को समझ ले तो आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ पाएंगे और प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा खास सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता रहता है, वो बढ़ते हुए हॉर्मोन्स आपके पेट में गड़बड़ स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बढ़ता हुआ हार्मोन सबसे पहले आपके पेट में चेंजेस लेकर आता है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। कई बार महिलाओं का खाना पीना इतना सही नहीं होता है, वो पानी अच्छी मात्रा में नहीं लेती है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखती है, जिसके कारण उनकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना आम बात है। तो ऐसे में आपको सीजनल फ्रूट, तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, ग्लूकोज आप पी सकती है, खूब से आप पानी पीजिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये समस्या आपको हो गई है, पहले कभी नहीं हुई थी, तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। दूसरा चेंजेस आप में आता है कि आपको ज्यादा मात्रा में गैस बनने लगती है। बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट फूला हुआ है, पेट में कुछ गड़बड़ है, गुड़गुड़ की आवाजें आपको आएंगी, क्योंकि सीधा सीधा प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण होता है और आपके प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा करता है। ऐसे में जब प्रेगनेंसी हार्मोन का स्तर डे बाय डे बढ़ता है, ठीक है, और बच्चा भी इम्प्लांट हो चुका है, तो जब बच्चा इम्प्लांट होता है उस दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का क्रैम्प महसूस होता है और आपको डिस्चार्ज की दिक्कत होने लगती है। गैस तो बनती ही बनती है, साथ में कई बार महिलाओं को लूज मोशन की समस्या भी रहती है। तो ये सारे संकेत आपको नजर आ रहे हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने की तरफ ये इशारा करते हैं। महिलाओं में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या रहती है, स्मेलिंग सेंस बढ़ जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, वॉमिटिंग, नौशिंग बहुत कॉमन से साइन है जो प्रेग्नेंट होने की तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये बहुत ऐसे खास संकेत हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि अब आपका गर्भधारण हो चुका है। पीरियड मिस होने का वेट करें और जल्द से जल्द यूपीटी कर प्रेगनेंसी टेस्ट करें और हमारे साथ भी, अपने परिवार के साथ भी गुड न्यूज को शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब कल मिलता है सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।